जहां ऊर्जा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी एवं भूजल तथा कला साहित्य सांस्कृतिक पुरातत्व मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो महकमे जनता से सीधे जुड़ते हुए हैं वह 15 दिनों में कम एक बार जिला और ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई करें ताकि जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तार किया जा सके। जिला व ब्लॉक लेवल पर जनता की सुनवाई होगी तो लोग कम से कम संख्या पर परिवेदना देने आएंगे। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप महीने के पहले शुक्रवार को जिला स्तर पर, अंतिम शुक्रवार को ब्लॉक स्तर पर और दूसरे व तीसरे गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई को करनी है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि समेत जो विभाग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं वो 15 दिनों में कम एक बार जिला ब्लॉक स्तर पर सुनवाई करें। बैठक में जिला कलेक्टर ने 20 सूत्री कार्यक्रम, घर घर औषधि योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य मंत्री बीमा योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जल जीवन योजना, राजीविका शुद्ध के लिए युद्ध अभियोजना अभियान समेत विभिन्न विभागों में चल रही सरकार की फ्लेक्सिबल योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि 15 सूत्री कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में नौहर विधायक अमित चाचाण ने मुद्दा उठाया कि जिले में मिट्टा समेत अन्य नशा बिक रहा है और इसके चलते चोरी लूट समेत अन्य अपराधी मामले बढ़ रहे हैं जिसमें नशे पर रोक लगाई जाएगी। इस पर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि थाना क्षेत्रों में नशे के खिलाफ और विभिन्न अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु उन्होंने तत्काल हटाया जाएगा ताकि एक अधिकारी वो कार्य कर सके। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि जिस जिले में अगर नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो उतना पंजाब की तरफ जिले में उतना हनुमानगढ़ बनते देर नहीं लगेगी। लिहाजा जिला पुलिस अधीक्षक स्तर पर थाना अधिकारियों की कार्यक्रम की समीक्षा पर आवश्यकता कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। एडीएसएनएल एसपी जसवंत राम बोस ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के नेतृत्व में दिशा निर्देश दिए। बैठक में जो भी निर्देश विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए जाएंगे उनकी एक्शन लेटर रिपोर्ट 7 दिनों में बनाकर जयपुर भिजवाई जाएगी ताकि यह पता चल सके कि जो भी निर्देश इस बैठक में अधिकारियों को दिए गए हैं उनकी कितनी पालना सुनिश्चित की गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी इस बैठक के दौरान की गई और ये निर्देश दिए गए कि जिन थानों में जहां अपराध ज़्यादा घटित हो रहे हैं, चाहे चोरी से संबंधित हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हों, इन सभी अपराधों में जिन जिन थानों में अपराध की संख्या बढ़ रही हो वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और
ये चेतावनी दी जाए कि अपराध थानों में जो बढ़ेंगे तो उन अपराध के आधार पर उनकी समीक्षा की जाएगी। आज हनुमानगढ़ जिले के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं तथा विभिन्न विभागों तथा 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली गई। उसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आवश्यक रूप से कम एक सप्ताह में जिनका जनता से सीधा काम पड़ता है, जैसे जलदाय विभाग है, ऊर्जा विभाग है, अथवा जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और ऐसे ही विभाग जहां पर जनता अगर अपनी शिकायत करती है तो कम से कम 15 दिन में एक दिन सुनवाई का कार्यक्रम आवश्यक रूप से रखना चाहिए तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एक शुक्रवार को जिला स्तर की मीटिंग, एक शुक्रवार को पंचायत अथवा ब्लॉक लेवल की मीटिंग और उसके बाद दो बृहस्पतिवार को पंचायत स्तर पर मीटिंग रखने के जो निर्देश दिए गए हैं उसकी आवश्यक रूप से पालना करें। इसके अलावा कोविड के बारे में जो संभावित तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसकी तैयारी की समीक्षा की गई कि वहाँ बच्चों के वार्ड अलग से बनाए गए हैं, वहाँ वेंटिलेटर की, बाईपैप की और इसी प्रकार ऑक्सीजन सहित कितने बेड की व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई है, इन सब बातों के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इन सब बिंदुओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई और ये कहा गया कि जो आज मीटिंग हुई है उसका 7 दिन के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भिजवाई जाए ताकि पता लग सके कि जो चर्चा हुई उसकी सार्थकता कितनी रही। आज हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री महोदय श्री बी डी कल्ला जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और पीएचडी, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी और विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई और विशेष निर्देश प्रदान किए कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशीलता के साथ आमजन की हर बात को सुनते हैं और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, विभिन्न बजट घोषणाएं होती है, तो हमारे विभाग के विभिन्न अधिकारीगण अपनी 100% भूमिका निभाते हुए उन योजनाओं को धरातल पर उतारें और आम आदमी की समस्या को सुनते हुए उनका निस्तारण करने का प्रयास करें, नियमानुसार कार्रवाई करें। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मीटिंग में दिए गए डायरेक्शंस की पालना हो और प्रत्येक विभाग ये प्रयास करे कि उनकी जितनी भी योजनाएं संचालित है उसका आमजन को कम से कम समय में लाभ मिले।